हाउ टू मेजर द हेल्थ ऑफ योर हार्ट, मीन्स कैसे हमको समझेगा कि हमारे हार्ट की स्वास्थ्य जो है वो अच्छी है, किन फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करती है हमारे हार्ट को और हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज बिकॉज हम बहुत कुछ सुनने में आ रहा है सडनली वेल नोन पर्सनैलिटीज यू नो सडन हार्ट अटैक्स, और हमारे रिलेटिव में फ्रेंड्स में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हम अचानक सुनते हैं कि इनको हार्ट की तकलीफ हो गई और हमें लगता है कि ये अचानक कैसे हो गया, एवरीथिंग वॉज ओके, दे वर फाइन, उनको कोई तकलीफ नहीं थी, बट कैसे हो गया. सो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू वॉच आउट. हमने 7 मेजर्स बोला बट आई हैव एडेड अनदर मेजर व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर स्पेशली ड्यूरिंग एंड पोस्ट कोविड. हमको ये रियलाइज हुआ कि आर्ट, इन 8 चीजों पे हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए. दे आर द लाइफ्स एसेंशियल 8. तो डॉक्टर्स हैव आइडेंटिफाइड दीज मेट्रिक्स. वन इज द डाइट, मींस आपका खाना पीना. वन इज द एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी. आपका वेट जो है, जो हम BMI के पैरामीटर जो कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द हाइट टू द वेट रेशियो. आपकी ब्लड शुगर लेवल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल एंड द स्मोकिंग स्टेटस. और अगर आप डायरेक्टली सिगरेट या बीड़ी वगैरह नहीं भी लेते हैं, एनी फॉर्म ऑफ टबैको जैसे है पान, गुटखा, खैनी, यू नो इवन पैसिव स्मोकिंग काउंट्स इन दिस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज अफेक्टिंग योर हार्ट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज द स्लीप, मतलब कि आपकी जो नींद है, द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी विल सी अहेड. तो मैं एक एक करके आपको समझाऊंगी ये सारी 8 चीजें जो आपके हार्ट के लिए बहुत जरूरी है और इसके ऊपर आपकी हार्ट की हेल्थ डिपेंड होती है. सॉरी, द फर्स्ट थिंग इज डाइट. तो हमको खाने में, हमको पता तो है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बट वी रियली डोंट बॉदर टू फॉलो एवरीथिंग. बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि जस्ट अवॉइड एवरीथिंग विच इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स एंड सैचुरेटेड फैट्स. तो ये सारा आपका जो भी जंक फूड्स होता है विच इज वेरी इजिली अवेलेबल एंड वी आर वेरी मच टेम्पटेड टू गो फॉर इट, ये चीजों को आपको अवॉइड करना बहुत जरूरी है क्योंकि इनमें जो फैट्स हैं ये आपके हार्ट में जमने लगते हैं, आपकी ब्लड वेसल्स में जम के ब्लॉक करने लगते हैं और आगे चल के इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है. इन कंपैरिजन ऑन द फ्लिप साइड, आपको वो चीजें कंज्यूम करनी चाहिए जो आपके हार्ट को ब्लॉक ना करे या करने से रोके, विच यू नो स्पेशली फूड्स विच आर वेरी रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स. तो ये सारी आपकी सी फूड में सैलमन आता है, नट्स आते हैं, सीड्स आते हैं, यू नो बीन्स, ऑल दीज थिंग्स, ये आप ज्यादा कंज्यूम करें तो इससे आपके बॉडी को जो एंटी ऑक्सीडेंट मिलेगा वो हेल्प करेगा आपकी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक होने से रोकने में. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खाने पीने पे थोड़ा ध्यान दें, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. पोर्शन साइज आप कंट्रोल करें, एक्सरसाइज, सी टू इट दैट यू आर कंट्रोलिंग द पोर्शन व्हाट यू आर ईटिंग. जैसे कि नीचे प्लेट बताई है तो आधा हिस्सा आपके प्लेट का जो है वो सब्जियों का होना चाहिए. इट शुड बी मोर ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फाइबर विच यू शुड हैव. सलाड आपको डेली लेना है लंच और डिनर में. 1/4 आपकी प्रोटीन्स का पार्ट होता है विच इज योर दाल्स, पल्सेस, अगर नॉन वेज लेते हैं तो फिश, चिकन, ओके. अवॉइड मटन एज फार एज पॉसिबल. रेड मीट जो होता है, ऑर्गेन मीट होता है, इसे अवॉइड करना चाहिए बिकॉज अगेन दिस इज वेरी रिच इन सैचुरेटेड फैट्स. तो ये आपका फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैट्स बढ़ाएगा. अवॉइड दिस एंड रिमेनिंग 1/4 इज योर कार्ब्स, जिसमें आपका चपाती और चावल आता है. सो आप जो क्वांटिटी में ले रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है. पीपल आस्क मी इफ दे कैन टेक राइस और नॉट. यस, राइस इज अलाउड इन अ क्वांटिटी. तो कीप अ फिक्स्ड क्वांटिटी लाइक अ वाटी, स्मॉल वाटी एट योर होम एंड डेली आप उतना ही राइस लो, ना कम ना ज्यादा. एंड वेन यू आर कुकिंग द राइस प्लीज ड्रेन आउट द एक्सेस वाटर सो दैट द एक्स्ट्रा स्टार्चेस विच आर देयर इन द राइस दे कम आउट. So this is very important. Eat lots of salads. Okay. At lunch, preferably आप पहले लो लंच और डिनर के पहले आप सलाड खाओ, बाद में एक दो पीस खाना is not going to help you. तो आप पहले खाओ. Have lot of fluids, water लेना, intake 2 से 3 liter होना चाहिए. Go for daily a cup or a glass of milk, which is again fat free. तो buffalo milk जो लोग consume करते हैं they should avoid that because that is having lot of saturated fats. तो आप go for a toned cow's milk.
खाने पीने में बेसिक आपको चीजें ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा कैलोरीज, ऑल द बेकरी प्रोडक्ट्स, यू नो स्पेशली बिस्किट्स भी, पीपल आस्क मी वी आर टेकिंग अ न्यूट्री चॉइस, वी आर टेकिंग फाइबर बिस्किट, शुगर फ्री है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बिकॉज एवरी बिस्किट द इंग्रेडिएंट इज गोइंग टू बी मैदा एंड शुगर. ओके, समटाइम्स फॉर मार्केटिंग दे से दैट इट इज फाइबर वाला है, शुगर फ्री है, बट वी नो दैट दिस इज गोइंग टू हार्म यू. तो बेक्ड प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, बेकरी आइटम्स, खारी टोस्ट, फरसान, यू नो बिस्किट्स, ऑल दिस थिंग्स शुड बी अवॉइडेड. सेकेंडली आपका जो एक्टिविटी है, एक्सरसाइज, यू नो हाउ मच, सी वी ऑल नो दैट एक्सरसाइज से हमारा मसल्स यू नो स्ट्रांग होता है, सेम वे हार्ट, बिकॉज हार्ट इज ऑल्सो अ मसल. आपका जो हार्ट बीट कर रहा है, इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन, सो व्हेन यू एक्सरसाइज योर हार्ट विल आल्सो गेट एक्सरसाइज, राइट? सो आइडियली एटलीस्ट 5 times a day, 5 days इन अ वीक फॉर 30 to 40 minutes यू शुड डू सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज कीजिए, जो आपको सूट होता है वो करना जरूरी है, बिकॉज लोगों को ऐसा लगता है कि 40 मिनट चलना है, 1 घंटा चलना है, तो वो नहीं होता है तो भी वो करते हैं बिकॉज डॉक्टर ने बोला है. ऐसा नहीं है, जस्ट नो योर बॉडी एंड फर्स्टली गेट अकस्टम टू द एक्सरसाइज. यू नो आई वुड सजेस्ट कि कोई भी एक्सरसाइज डे 1 पे ही आप 1 घंटा नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे स्टेप आप कीजिए और टाइमिंग बढ़ाइए, क्योंकि एक्सरसाइज की अलग अलग प्रकार होती है. एक होता है एरोबिक एक्सरसाइज, जिसमें आप इट्स मोर ऑफ वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये चीजें होती है, विच इज योर कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज. और दूसरी होती है एनएरोबिक एक्सरसाइजेस, विच इज बेसिकली द स्ट्रेंथ और द वेट ट्रेनिंग. दिस इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि विथ एज और विथ डायबिटीज एंड विथ यू नो योर इनएक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से आपका जो मसल मास है ये लूज होने लगता है धीरे धीरे. सो टू कीप योर मसल स्टोन्ड, इवन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको किसी भी फॉर्म का एनी वेट यू कैन मेक, यू कैन इवन टेक डंबल्स और यू नो 1 liter बॉटल एट होम ऑल्सो, एंड यू कैन ट्राई टू डू द एक्सरसाइजेस, बट सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस इज नेसेसरी फॉर द मसल्स. एंड द थर्ड कैटेगरी ऑफ द एक्सरसाइज इज द फ्लेक्सिबिलिटी और द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस. जो हम आसन होते हैं, योगा होते हैं, आई वेरी पॉपुलरली रिकमेंड सूर्य नमस्कार, उसमें आपकी फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है. तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस. तो आपको एक एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन अपने डॉक्टर से लेना जरूरी है, बिकॉज एक्चुअली एक्सरसाइज इज अ $1 billion ड्रग विच नेवर गेट्स प्रिस्क्राइब. डॉक्टर सिर्फ कहते हैं एक्सरसाइज करना है, बट यू डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ मच टू डू एंड व्हाट ऑल टू डू. तो ये आपको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए अपने डॉक्टर के साथ, एंड स्टार्ट विद द वंस विच यू आर कंफर्टेबल एंड स्लोली बिल्ड अप ऑन द एक्सरसाइज. तीसरी चीज है आपका वेट, मतलब वजन, जिसे हम BMI, बॉडी मास इंडेक्स से कैलकुलेट करते हैं, विच इज अ हाइट टू द वेट रेशियो. तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, समटाइम्स सेम BMI, दो अलग अलग लोग हैं जिनका BMI 22.3 है, बट इनका बॉडी फैट जो है एक में 9.1% है, एंड दिस जेंटलमैन इज एक्चुअली लुकिंग बिगर, और जो दूसरे इंसान है, व्यक्ति है, उनका 21.2% है बॉडी फैट, जो एक्चुअली दुबले लग रहे हैं, पतले लग रहे हैं, बट इनका बॉडी फैट ज्यादा है, क्योंकि ऑल द फैट इज एक्युमुलेटेड ओवर हिज एब्डोमिनल एरिया, जो हमारे पेट पे चर्बी जमती है, एंड दैट इज व्हाई द वेस्ट मेजरमेंट, वेस्ट सर्कमफेरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मर्दों में जो है आपका वेस्ट सर्कमफेरेंस अगर 102 cm से ज्यादा होगा, और औरतों में 88 cm से ज्यादा होगा, सो इट इज अ वेरी वेरी हाई रिस्क फॉर द हार्ट, क्योंकि यही जो एब्डोमिनल फैट है, इट इज वेरी मेटाबॉलिकली एक्टिव, इसमें से बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, साइटोकाइंस, ये सब रिलीज होती है, जो डायरेक्टली आपके हार्ट को डैमेज करती है, आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है, ब्लड वेसल्स में जमने लगती है. सो यू कैन एक्चुअली इमेजिन अ ब्रिक वॉल, अगर हम हथौड़ा लेके रोज ठोकेंगे वॉल को, तो इवेंचुअली वन डे द वॉल विल ब्रेक. उसी तरह all these things combined, your weight, cholesterol, sugar, all these things, they are damaging you every day slowly slowly, and one day you will land up into the complication. ठीक है, coming to the sugars, blood sugars, we all know कि हमें अच्छा control रखना है sugar का, because now diabetes is growing by leaps and bounds. India is the world capital of diabetes. हर 10 में से एक व्यक्ति को diabetes है.
बट हर दो में से एक इंसान को पता नहीं होता है कि उनको डायबिटीज कब शुरू हो गई, बिकॉज दे डोंट चेक. एंड नाउडेज प्री डायबिटीज इज सो रैम्पेंट कि हर तीन में से एक को प्री डायबिटीज है, मतलब बॉर्डरलाइन डायबिटीज, दैट इज द शुरुआती स्टेज ऑफ डायबिटीज. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटेक्ट इट एंड टेक एक्शन. अगेन द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल. सो मैंने अपने लास्ट टाइम भी लेक्चर में बताया था कि देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ गुड कोलेस्ट्रॉल एंड समथिंग कॉल्ड एज बैड कोलेस्ट्रॉल. तो LDL जो होता है ये आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो ये सारी आपकी खाने के थ्रू, जो अनहेल्दी फूड्स हैं उसके थ्रू आपके बॉडी में आता है और जम जाता है और ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करता है. सो दैट इज द वर्क ऑफ द LDL. एंड HDL ऑन द अदर हैंड इज काइंड ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल विच हेल्प्स इन रिमूविंग द ब्लॉकेज. इट डज नॉट लेट द कोलेस्ट्रॉल टू गेट डिपॉजिट इन योर ब्लड वेसल. तो ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल है ये काम करता है आपकी आर्टरीज में से कोलेस्ट्रॉल निकालने का. तो हमारा एम ये होना चाहिए कि हमारा HDL ज्यादा रहे और HDL कम रहे. आई सी सो मेनी पेशेंट्स, ऑलमोस्ट 90% जिनका LDL हो सकता है उतना ज्यादा नहीं है बट HDL बहुत लो है, यू नो एज लो एज 20-25, विच इज नॉट गुड एट ऑल. HDL जो होना चाहिए आपका रेंज इज 40-60. ओके, इन मेल्स अबव 50 होना चाहिए, इन फीमेल्स अबव 60 होना चाहिए. एंड द टोटल कोलेस्ट्रॉल शुड बी लेस देन 180. LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ये 70 के नीचे रहना चाहिए. अगर आप ये रेशियो, ये प्रपोर्शन अगर आप मेंटेन करते हैं ऑफ LDL, HDL, टोटल कोलेस्ट्रॉल, देन देर आर वेरी लेस चांसेस कि योर ब्लड वेसल्स आर गेटिंग ब्लॉक्ड. बिकॉज इवन दो एवरीथिंग इज ओके, धीरे धीरे आपकी ब्लड वेसल्स ब्लॉक होती रहेगी. ऊपर से आपको समझ में नहीं आएगा. अनलेस यू चेक यू विल नॉट नो वॉट इज अ कोलेस्ट्रॉल लेवल इन योर बॉडी. सो वेरी इंपॉर्टेंटली गो फॉर अ कोलेस्ट्रॉल टेस्ट. वंस इन अ ईयर तो करना ही चाहिए. लेकिन जिनको हाई रिस्क है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनको हार्ट डिजीज है, जिनका वजन ज्यादा है, जो स्मोक करते हैं, जिनको डायबिटीज है, बीपी है, इनको तो हर 6 महीने में कोलेस्ट्रॉल चेक करके देखना चाहिए इट इज इन द रेंज और नॉट. ओके, कमिंग टू ब्लड प्रेशर अगेन, ये भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था लास्ट टाइम के लेक्चर में. वंस अगेन आई विल जस्ट टेल यू दैट ब्लड प्रेशर जो है ये आपका हार्ट जब पंप करता है ब्लड, तो जो प्रेशर एग्जर्ट करता है वेसल्स में, क्योंकि सब जगह उसे खून पहुंचाना है, उसे हम जो मेजर करते हैं इट इज अ ब्लड प्रेशर. एंड इट इज हैविंग टू वैल्यूज, एक अपर वैल्यू होती है और एक लोअर वैल्यू होती है. अपर वैल्यू इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विच इज ऑलवेज द बिगर नंबर, जिसे हमें पहले बोलना है. सो 120 इज द बिगर नंबर, इट इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब अपना हार्ट पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो प्रेशर. और सेकेंड प्रेशर जो होता है विच इज अ लोअर प्रेशर, इट्स अ डायस्टोलिक प्रेशर, जब अपना हार्ट रिलैक्स होता है तब. तो हमेशा प्रेशर को जब हम बोलेंगे, हम बड़े नंबर को पहले बोलेंगे फिर छोटे नंबर को बोलेंगे, 120/80. ओके, एंड अगेन कीपिंग द प्रेशर इन द नॉर्मल रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा वैसे हर एक ऑर्गन पे उसका असर आएगा. इन योर हार्ट, इन योर किडनीज, इन योर आईज, इन योर ब्रेन, ये सारी जगहों पे आपको हाई ब्लड प्रेशर की इफेक्ट्स हो सकती है. द सेम थिंग व्हाट आई टोल्ड यू कि आप ब्रिक वॉल को क्रैक कर रहे हो धीरे धीरे रोज, उसी तरह ये चीज हाई ब्लड प्रेशर धीरे धीरे रोज आपकी ब्लड वेसल्स को क्रैक करेगी एंड एक दिन आपको सडनली कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. स्मोकिंग की बात करते हैं तो वी ऑल नो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, पैकेट पर भी लिखा हुआ होता है, बट स्टिल्स पीपल आर स्मोकिंग. और द निकोटीन जो स्मोक में होता है, दैट इज द केमिकल, इट इज सो टॉक्सिक फॉर योर ब्लड वेसल्स. ओके, इसके वजह से यू कैन डायरेक्टली लैंड अप इनटू एनी कॉम्प्लिकेशन. इफ यू आर स्मोकिंग वन सिगरेट, एक भी सिगरेट आप स्मोक करते हैं तो आपकी जिंदगी के 11 मिनट कम होते हैं. 11 minutes of your life reduce just with one stick. Or if you are smoking a packet of cigarette, 20 cigarettes, then around 3 hours, 3.5 hours of your life are reduced. So you can imagine that much impact is there. But the day you decide to stop smoking, aapne decide kar liya ki aapko smoking band karna hai, and if you are successful in doing that, all the bad effects, what is there, that can be reversed. Matlab ki once you start, give up smoking, your circulation will improve, your lung capacity will improve, you will get the benefits of that. So it's never too late. Quit smoking, decide that now, today itself in this lecture, ki you will not smoke. Sleep, which is the again 8th and the most important parameter.
बिकॉज मेनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस इंसोम्निया, लैक ऑफ स्लीप. यू नो, कहते हैं कि नींद नहीं आती है, बट वाई यू आर नॉट गेटिंग द स्लीप? यू शुड वर्क ऑन योर स्लीप. सो क्रिएट द एटमोसफियर फॉर गेटिंग स्लीप. आप मोबाइल देखते देखते सोओगे तो आपको नींद नहीं आएगी, तो 2 घंटा पहले सोने से आपको, यू शुड डिजिटली डिटॉक्स योर सेल्फ, शट डाउन ऑल द गैजेट्स, गो इन अ रूम क्वाइट, क्लोज द लाइट्स. समटाइम्स कोई लाइट मेडिटेशन म्यूजिक भी आप कर सकते हो, यू नो. सो ऑल दिस थिंग्स विल हेल्प यू टू गेट स्लीप. इन स्पाइट ऑफ दिस, इफ यू डोंट गेट स्लीप एंड इफ यू आर इन डिप्रेशन और एनीथिंग, देन यू नीड टू टेक द हेल्प ऑफ अ डॉक्टर. सो आइडियली 6 to 8 hours of good sleep should be enough for the individuals. Different age group ki different requirement rehti hai sleep ki, but average in adults 6 to 8 hours, minimum 6 hours I would say. But good sleep, good sleep is when you get up the next day and you feel fresh. Din bhar mein aap lethargic ya inactive nahi feel karte hain. So aisi achhi sleep quality aapki rehni chahiye, then you will get the benefit of it. Because there are studies which have shown ki less than 5 hours, agar 5 ghante se kam sleep ya disturbed sleep agar hai aapki, to which is you know, it's increasing your risk of the heart disease, heart attack, stroke wagera, iska risk badh jata hai. So very important, please work on your sleep. You can see all these personalities, they were very famous and we all know about them, that they have just suddenly suffered a heart attack and they have expired. ठीक है, but in सबकी life में ऐसा कुछ ना कुछ तो हुआ होगा. In all these 8 parameters which I have just discussed, अभी ये 8 चीज जो हमने discuss की है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रहेगा because of which they have suffered a sudden attack. जिमिंग अनफॉर्चुनेटली एक ट्रिगर बन गया इन लोगों की केस में, बिकॉज सी देर इज ऑलवेज अ ट्रिगर. अ लोडेड गन विल ऑल्सो नॉट शूट ऑन इट्स ओन अनलेस यू पुल द ट्रिगर. जब तक आप ट्रिगर नहीं दबाओगे तब तक गन नहीं चलेगी. तो कोई ना कोई ट्रिगर होता है जिसके वजह से गन चलती है एंड यू लैंड अप इनटू द कॉम्प्लिकेशन. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल. रिमेंबर टू गेट दीज टेस्ट डन वंस अ ईयर. साल में एक बार ये सारी टेस्ट आपको करना जरूरी है. वन इज द ECG which is recording the electrical activity of your heart. ठीक है, तो ECG में क्या आप रिकॉर्ड करते हो कि अभी आपके हार्ट की कंडीशन क्या है. इट्स जस्ट लाइक अ सेल्फी. आप अपना सेल्फी लेते हो, आपको दिखते हैं आप कैसे लग रहे हो. सेम वे आप हार्ट का सेल्फी ले रहे हो, ECG इसमें पता चलेगा कि आपका हार्ट कैसा चल रहा है. ओके, यू कैन रिपीट द ECGs एज पर द सिम्टम्स एंड एज पर डॉक्टर्स एडवाइस वेन एवर इट इज एडवाइस. ऐसा नहीं कि साल में एक बार ECG किया तो खत्म हो गया. नहीं, ECG आपको अलग अलग टाइम पे और रिपीट भी करना पड़ सकता है. बट कीप इन माइंड टू गेट अ स्क्रीनिंग डन, अ बेसलाइन स्क्रीनिंग वंस अ ईयर ऑफ योर हार्ट. ओके, द अदर टेस्ट इज अ स्ट्रेस टेस्ट विच इज लाइक ECG, बट ये इट्स लाइक अ एक्सरसाइज टेस्ट. तो ये आपको ट्रेडमिल पे आपका जो मशीन होता है उस पर चलना होता है. ऑल द लीड्स आर अटैच्ड ऑन योर बॉडी एंड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज रिकॉर्डेड. और इसमें पता चलता है कि वेन यू आर एक्सरसाइजिंग और वेन यू आर इन स्ट्रेस, इज योर हार्ट एबल टू पम्प द ब्लड प्रॉपरली. आपका हार्ट बराबर से पम्प कर पा रहा है या ब्लड या नहीं, या कहीं पे ब्लॉक हो रहा है. तो ये टेस्ट भी साल में एक बार करना जरूरी है. और तीसरा टेस्ट है 2D echo. 2D echo इज जस्ट लाइक अ सोनोग्राफी. जैसे पेट की सोनोग्राफी होती है वैसे हार्ट की सोनोग्राफी है. तो 2D echo में हमको क्या पता चलता है कि what is the function of your heart, कंडीशन कैसी है, आपकी हार्ट की मसल में कोई कमजोरी है या नहीं, बराबर पंपिंग हो रहा है या नहीं, देयर इज एनी एबनॉर्मलिटी इन द वाल्व्स, आपकी हार्ट की जो वाल्व्स है उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं. तो ये भी एज अ स्क्रीनिंग वी आर रिकमेंडिंग टू डू वंस इन अ ईयर. So very important, these 10 steps to protect your heart. Again, I'm repeating the same thing, that please follow a healthy eating pattern. खाना पीना अच्छा रखिए, exercise पे focus कीजिए. Okay, stop smoking, have a healthy weight. Even if you try to reduce 4 to 5% of your body weight, अपने शरीर का 5% weight भी अगर आप कम करोगे तो वो बहुत help करेगा. So डेली, और ये एक दिन में नहीं होगा, तो डेली यू स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज एंड ग्रेजुअली इंक्रीज योर एक्सरसाइज. अगेन अल्कोहल, इफ यू कैन अवॉइड दैट बी बेस्ट, बट इफ यू लिमिट द क्वांटिटी दैट इज ऑल्सो ओके. इन परमिसेबल क्वांटिटी गो फॉर इट. स्ट्रेस रिडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू नो वी ऑल आर स्ट्रेस्ड विद समथिंग और द अदर इन आर लाइव राइट नाउ. सो अवॉइड स्ट्रेस. स्ट्रेस लेने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. ओके, मैनेज योर कोलेस्ट्रॉल, अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये टाइम से चेक करते रहें. हर 3 महीने में अपने डॉक्टर के साथ फॉलो अप करें, बिकॉज अनलेस एंड अंटिल यू फॉलो अप, यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग इज राइट और रॉन्ग. आपको डॉक्टर गाइड करते रहेंगे, उस हिसाब से आपको चलना है.
फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरीवन इन द फैमिली कम टुगेदर एंड टेक केयर ऑफ द पर्सन हु इज हैविंग अ हार्ट डिजीज एंड ऑल्सो बी मोर अवेयर, क्योंकि इफ वन पर्सन इज हैविंग अ हार्ट प्रॉब्लम यू नो द अदर्स आर ऑल्सो डायरेक्टली एट रिस्क फॉर इट. तो ये नॉलेज रहनी चाहिए आपको, यू शुड बी वेरी मच अवेयर कि क्या सिम्टम्स होती हैं, क्या होता है यू नो हार्ट प्रॉब्लम में, क्या क्या करना चाहिए आपको, डॉक्टर के साथ कैसे फॉलोअप करना चाहिए, दवाइयां बराबर कैसी लेनी चाहिए, बिकॉज समटाइम्स एल्डरली पेशेंट्स दे इवन फॉरगेट टू टेक द मेडिसिन. इतनी दवाइयां होती है, 10-15 दवाइयां होती है, उसमें से ऊपर के 10 जो दिखते हैं वही लेते हैं, नीचे के 4-5 नहीं लेते हैं. सो ऑल दिस इज हैपनिंग. So please take care of the family members and help them out. If anyone is depressed, any you know, ऐसा कुछ हो रहा है issue, तो please share with your family. बात कीजिए, share कीजिए, don't keep it in yourself and help each other out. So we celebrate World Heart Day on the 29th of September every year. And in my clinic, I always keep plan a camp around this time so that more and more people are aware. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले, जागरूकता फैला सकूँ मैं. इसलिए कैंप के बहाने लोग आके चेक करते हैं, बिकॉज आई फील दैट वी ऑल शुड लिव हेल्दी टिल द टाइम वी आर देयर, बिकॉज एक ना एक दिन हम सबको जाना है, बट टिल द टाइम वी आर देयर वी शुड लिव हेल्दी, बिकॉज वी नो कि वी हैव ओनली वन लाइफ एंड वी शुड टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि रिटर्न टिकट तो कन्फर्म है. तो किसी ने कहा है कि मन भर के जियो, मन में भर के नहीं, छोड़िए शिकायत, शुक्र अदा कीजिए, चाहे जितना जितना है आपके पास पहले उसका मजा लीजिए, और उम्र का हर एक दौर मजेदार होता है, तो अपनी उम्र का मजा लीजिए, क्योंकि रिटर्न टिकट तो कंफर्म है. राइट, सो आई विश यू ऑल अ वेरी हेल्दी हार्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर टिल द एंड. थैंक यू एवरीवन. आई विल एंड माय टॉपिक हियर. थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर गाइडिंग अस.